अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी कैसे हैं सब, आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी ड्रेस कलेक्शन जो है वो शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगी। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है मुझे कि आपको मेरी ड्रेस कलेक्शन कैसी लगी है। और तो जी यहाँ पे आप मेरा फर्स्ट ड्रेस देख सकते हैं। सबसे पहले इसका कलर जो था वो बहुत ही प्यारा था, पिंक पीच कलर में जो था ये ड्रेस था। और गोल्डन कलर का जो है ना इसके ऊपर सारी डिज़ाइनिंग हुई हुई थी। और जो मैंने स्टिच करवाया था मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा इसके ऊपर कुछ नहीं करवाया, क्योंकि जितना आप सिंपल ड्रेस वेयर करते हो उतने ही आप डिसेंट लगते हो। और जितनी आप वो खिंचियाँ मिचियाँ कर देते हो ना उसमें, तो आपने मेरी खिंचियाँ मिचियाँ को इग्नोर करना है। मतलब जितना यार आप उसको हैवी करवाओगे ना तो उतना ही अच्छा नहीं लगेगा, और जितना आप सिंपल उसको करवाओगे ना उतना ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप देखें, मुझे मेरी टेलर ने बोला भी था कि मैं इस पूरे के ऊपर जो ना प्लेट्स कर देती हूँ, तो मैंने उसको बोला कि नहीं मुझे इतना हैवी नहीं चाहिए, आपने जस्ट इसकी एक साइड के ऊपर हल्के से प्लेट्स करने हैं, ठीक है। तो उन्होंने बहुत प्यारे जो है ना हल्के से एक साइड पर प्लेट्स कर दिए थे। और सबसे मज़े की बात, जो इसके बाजू थे ना बहुत ही मज़े के थे, वो तो आपको आगे चल के मेरी वीडियो में देखने को भी मिलेगा। जब मैंने इसको पहना था तो मैं बस लश्कारे मार रही थी और कभी यूं कर रही थी, क्योंकि ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे आप इसके गले का डिज़ाइन भी देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा था और उन्होंने इसके ऊपर जो है ना बटन लगा दिए थे अच्छे वाले, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और स्पेशली इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया था, तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। और ये देखें जी, ये शर्ट थी, और यहाँ पे आप ये शर्ट नज़र आ रही है ये किसी आंटी की नहीं है, ये मेरी शर्ट है। और शर्ट जो है मैं बहुत लूज़ पहनती हूँ और क्योंकि मुझे पसंद है लूज़ शर्ट्स, और फिटिंग वाली मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद और ना ही मैं वेयर करती हूँ। तो अब इसका मैं आपको ट्राउज़र दिखाती हूँ। ट्राउज़र भी जो था मैंने वो लूज़ स्टिच करवाया था, बिल्कुल भी मैंने फ़िटिंग में स्टिच नहीं करवाया, क्योंकि इसलिए शर्ट्स शॉर्ट थी और मुझे ऐसा लगा कि उसके साथ जो है ना अगर मैं थोड़ा लूज़ पहनूंगी तो वह ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसके ऊपर भी मैंने हल्के हल्के से जो है ना मैंने प्लेट्स करवाए थे जो बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये तो अब आप वीडियो में देखेंगे और फिर मुझे बताएँगे कि मुझे ड्रेस वेयर किया हुआ कैसा लग रहा था। और यार जितनी गर्मी है ना, जितनी गर्मी पड़ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना हल्का ड्रेस वेयर करते हो ना आप उतना ही इजी फील करते हो, और ये मेरा कहना है, किसी और का कहना नहीं है, क्योंकि सब क्या अपना अपना होता है। कुछ लोग पसंद करते हैं लाइट वेट में कपड़े वेयर करना और कुछ लोग बहुत हैवी करते हैं, तो सबकी अपनी अपनी च्वाइस है। तो जी यहाँ पर फर्स्ट ड्रेस आप देख लिया है, और अच्छा जी तो फर्स्ट ड्रेस में तो आपने मेरे लश्कारे देख ही लिए हैं। तो जी अब आ जाती है बारी नंबर टू की, मतलब ड्रेस की, जो दूसरे नंबर वन में ड्रेस है उसकी बारी आ जाती है। और ये आप देखें जी कि ये जो शर्ट मैंने स्टिच करवाई है ना, ये पीछे से लॉन्ग है और आगे से थोड़ी शॉर्ट है, लेकिन ये बंद है, मतलब इसके चौक खुले नहीं हैं, इसको मैंने फुल बंद करवाया था। और ये बहुत प्यारा लग रहा था और इसका कलर भी बहुत प्यारा है। अच्छा ये जो आप देख रहे हैं ना कि ये यूं जो सीधी पट्टी लगी हुई है, कुछ लोग चेपी लगा के तो फिर इसको लगवाते हैं, तो जितनी गर्मी पड़ रही है ना मुझे लगा कि मुझे चेपी नहीं लगवानी बिल्कुल भी ना, वो मतलब घबराहट सी होती है लगा के, तो बिल्कुल सिंपल सा जो कपड़ा है ना बस वो मैंने कहा था कि यहाँ पे आपने लगा देना है और उसके ऊपर कोई अच्छे से आपने बटन जो है वो लगा देने हैं। तो इन्होंने बड़े अच्छे वाले बटन लगाए हैं, और यार स्टिच बहुत प्यारा किया है, स्टिच करना भी ना किसी किसी का काम है, हर किसी का काम नहीं है, और बड़ी ही नीटनेस के साथ जो है ना उन्होंने स्टिच किए हैं। और जो मैंने डिज़ाइन दिखाए थे, जो बताए थे, सेम वैसे ही हैं। और इसके भी बाजू इतने मज़े के हैं ना, ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे पहने हुए, ये देखें आप यहाँ पर देखें। अच्छा और वो पट्टी के ऊपर उन्होंने चेपी वेपी नहीं लगाई, लेकिन इसके बाजू पर जो ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर उन्होंने हल्की वाली बारीक वाली जो अच्छी वाली चेपी होती है ना वो लगाई थी, और उसके साथ जो है ना ये बाजू बहुत प्यारे लग रहे थे। अब बारी आ जाती है जिसके ट्राउज़र की, तो इसके ट्राउज़र के ऊपर भी मैंने देखे प्लेट्स करवाए हैं, लेकिन वो जो पहले आपने देखे थे वो और डिज़ाइन के थे, ये और डिज़ाइन के हैं, और ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। तो ड्रेस तो आपको पता है कि सारे ही प्यारे होते हैं, लेकिन स्टिच करने और करवाने में भी अपना ही मज़ा होता है, तो करने वाला भी अगर मज़े का काम करे ना तभी मज़ा आता है। तो ये देखें बड़े प्यारे से उन्होंने जो है ना प्लेट्स डाले हैं इसके ऊपर बहुत ही नीटनेस के साथ, और ये वाला ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा था, वो तो आप वीडियो में देखेंगे जब मैं पहनूंगी। पहली वाली में भी मैंने लश्कारे मारे हैं, अब दूसरी वाली में भी आप देखेंगे
जितने भी आएंगे सब में आप देखेंगे। और यार गर्मी इतनी थी ना, बड़ी मुश्किल से वीडियो जो है ना मैंने वो शूट्स की थी, और इसीलिए आपने जो है ना बस कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो जी अब इस वीडियो में भी आप लश्कारे देख लें। शुक्र है जी मेरी दूसरी वीडियो के तो लश्कारे ख़त्म हुए, कुछ ज़्यादा ही नहीं दिखा दिए मैंने। नहीं नहीं बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया। अच्छा जी चलें जो भी है, अब बारी आ जाती है ड्रेस नंबर 3 की, और येलो कलर आप देख सकते हैं। यार मेरा तो येलो जो है ना वो मतलब मोस्ट फेवरेट कलर है, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है और पहना हुआ भी बहुत प्यारा लगता है। आपस की बात है, आप लोग कहेंगे कि अपने मुँह से खुद ही तारीफें करी जा रही हैं, तो करनी चाहिए ना अगर आपको अच्छा लगता है। क्या ख्याल है? तो अच्छा जी ये वाला जो ड्रेस था ना, इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारी कढ़ाई हुई हुई थी ना ऊपर वाली साइड पे, तो मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं करवाया। इसको मैंने बहुत सिंपल सा स्टिच करवाया, और इसके ऊपर मैंने पाइपिंग भी नहीं करवाई, क्योंकि ये येलो मुझे वैसे इतना प्यारा लग रहा था ना, और इसके जो कलर थे ना यार कलरफुल मतलब बहुत प्यारे लग रहे थे। और इसका भी ट्राउज़र आप देख लें, इसके ट्राउज़र के ऊपर भी उन्होंने प्लेट्स जो है ना वो किए थे, लेकिन चेक में किए थे, और ये बहुत प्यारा लग रहा था। आप भी कहेंगे कि यार प्लेट्स 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 लेके बैठी हुई है, तो ये दरअसल जो है ना 3 पीसेस सूट मैंने बाय किए थे, और इनके जो ट्राउज़र होते हैं ना वो हल्के हल्के से अगर उसके ऊपर आप डिज़ाइनिंग करवा लेते हो ना तो वो बड़े ही प्यारे लगते हैं। तो इसलिए मैंने बस हल्के हल्के से जो है ना इनके ऊपर प्लेट्स वगैरह करवा लिए थे, क्योंकि ये 3 पीसेस सूट थे मेरे। तो बाकी जो कुर्ते हैं उनमें भी मैं आपको दिखाऊँगी, वो तो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो येलो भी आप देख लें, तो इसकी भी वीडियो आ गई है, तो उसमें भी आप लश्कारे चेक करें। चलें जी उसके भी लश्कारे ख़त्म हुए, और आप लोग कहते होंगे कि क्या ये लश्कारे इसने लगाया हुआ है, तो यार मैंने चुपके ड्रामा बहुत देखा है, और जो लश्कारे वाला डायलॉग है ना बस वो मेरी जबान पे चढ़ गया हुआ है, इसलिए आपको मेरी पूरी वीडियो में बस लश्कारे नज़र आएंगे। अभी तो शुक्र है मैं वो नहीं कह रही इश्के भाई इश्के, क्योंकि मैंने बड़े मज़े से ये ड्रामा देखा है। अच्छा जी अब बारी आ जाती है इस ड्रेस की, और ये देखें ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा और यहाँ पर मैं एक बात आपको कहना भूल गई कि आपने पीछे जितने भी ड्रेसेस देखे हैं, अगर आप वैसे का स्टिच करवाना चाहते हैं, डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं, तो आप उनके जो है ना स्क्रीन शॉट्स ले लें, और आप अपने टेलर को जाकर दिखाएं, तो वो भी आपको ऐसे का सेम जो है ना स्टिच करके देंगी। अच्छा जी यहाँ पे देखें इसके ऊपर मैंने करवाई है पाइपिंग, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव ड्रेस था, और इनके ऊपर जब तक पाइपिंग ना करवाएं तो ये प्यारे नहीं लगते। और यहाँ पे मैं आपको क्लोज करके इसलिए दिखा रही हूँ यार कि ये जो मैंने पाइपिंग लगवाई है ना, ये बहुत ही अच्छे वाली और महंगे वाली पाइपिंग है, ठीक है। अगर आप ड्रेस अच्छे वाला लेते हैं तो उसके ऊपर पाइपिंग अच्छे वाली लगवाया करें, और ये सिल्क शमोज़ की जो पाइपिंग है ना मैंने वो लगवाई थी, और आप खुद देखें कि यार ये कितनी प्यारी लग रही है। ग्रे के ऊपर ऑरेंज का कलर जो है ना वो कितना उठ के आ रहा है, और ये बिल्कुल सिंपल सा स्टिच करवाया था, पाइपिंग करवाई थी, और इसके जो गले का डिज़ाइन था वो बहुत प्यारा था, बिल्कुल सिंपल सा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बिल्कुल भी शॉक ड्रेस नहीं पहनती, बहुत सिंपल से वेयर करती हूँ लाइट वेट में, और खुले खुले कुर्ते पहनती हूँ क्योंकि वो बहुत प्यारे लगते हैं, ठीक है। और बाजू भी मुझे खुले खुले जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो इसके बाजू भी आप देखें, और ये देखें इसके यहाँ पर भी मैंने जो है पाइपिंग करवाई है, और ये बहुत प्यारा लग रहा था, ये तो कलर ही बहुत प्यारा था, ठीक है। और इस पर मैंने कहीं पे भी प्लेट्स वगैरह नहीं करवाए, ना ही शर्ट पे करवाए हैं। और अब बारी आ जाती है इसके ट्राउज़र की, तो मैंने इसके ऊपर भी बिल्कुल भी प्लेट्स वगैरह नहीं करवाए, क्योंकि ये मुझे लगा कि सिंपल ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो ये बस मैंने बेल बॉटम शेप में जो है ना एक ट्राउज़र स्टिच करवा लिया, ठीक है। ये नीचे से थोड़ा जो है ना खुला होता है, ठीक है, और ऊपर वाली साइड से थोड़ा टाइट होता है, ठीक है, मतलब कि पेन टाइप जो है ना इसकी शेप होती है, और ये पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। और आप देखें कलर सिलेक्शन देखें इसकी कितनी प्यारी है। और यहाँ पे मैंने आपको ना ड्रेस की जो प्राइस है मैंने वो नहीं बताई, क्योंकि हुआ कुछ ये था कि मैंने जब बाय किए थे तो मैंने साथ ही अपने टेलर को दे दिए थे, तो इसके बैग वगैरह जिनके ऊपर प्राइस थी वो सभी उन्हीं के पास थे, ठीक है। तो वैसे मैक्सिमम ये 3000 के अराउंड है, और जो पहले आपने देखे हैं वो 2000 के अराउंड है, ठीक है। तो अब इसकी भी वीडियो आ गया, अब उसमें लश्कारे चेक। अच्छा
अच्छा जी, अब बारी आ जाती है जी लास्ट ड्रेस की, और जो लास्ट वाला ड्रेस है ना जी, वो सभी लड़कियों का मोस्ट फेवरेट कलर है, ब्लैक कलर। और यार इसके साथ जो कंट्रास्ट था दुपट्टे का, वो तो आप देखेंगे इतना खूबसूरत लग रहा था। और आप ये देखेंगे कि मार्केट में इतना कपड़ा आया हुआ है, इतना कपड़ा आया हुआ है ना, और लोग इसको ख़रीद भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर भी मैंने पाइपिंग करवाई थी शॉकिंग कलर की, क्योंकि जो इसकी शॉल थी, जो इसका दुपट्टा था, वो शॉकिंग कलर का था और बहुत ही प्यारा था। और वैसे भी जो ब्लैक होता है ना, वो सभी का मोस्ट फेवरेट होता है, और मेरा तो बहुत ही फेवरेट है। कोई भी फंक्शन, कोई भी इवेंट आ जाना, मुझे बस ये होता है कि जी एक तो काला जोड़ा होना ही चाहिए है, और कुछ जोड़े ना आए, बस एक काला जोड़ा होना चाहिए, क्योंकि काले देते फिर लश्कारे ही वक्रे होते ने। खैर यहाँ पर मैंने पंजाबी बोली है, आई डोंट नो आप लोगों को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। तो ये मेरा लास्ट ड्रेस है जो आप देख रहे हैं, और इसका जी आप गले का डिज़ाइन देख सकते हैं, कटवर्क में उसने जो है ना गले का डिज़ाइन बनाया था, ये भी मैंने उसको सेंड किया था। और इसके ऊपर भी उसने बटन लगाए हैं, क्योंकि बटन मुझे बड़े पसंद हैं, लेकिन अच्छे वाले, और लोकल मुझे पसंद नहीं है। तो ये मेरा लास्ट ड्रेस है, और इसके लास्ट पे मैंने आप सबसे यही कहना है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें, और लाइक और शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो जी यहाँ पे आ जाता है जी इसका भी पजामा, मतलब कि इसका ट्राउज़र। तो इसके ऊपर भी मैंने करवाए थे प्लेट्स, और ये थोड़ा मैंने फिटिंग में स्टिच करवाया था, क्योंकि ब्लैक शर्ट शॉर्ट थी, और उसके साथ जो था मैंने ये टाइट स्टिच इसलिए करवाया था क्योंकि ये बहुत प्यारा लग रहा था, सेम जैसा पोस्टर पे था। मैंने वैसा स्टिच नहीं करवाया, मैंने अपनी मर्ज़ी से स्टिच करवाया है। और जी यहाँ पे मेरी वीडियो का हो जाता है एंड, नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और लास्ट पे देखें लश्कारे।